हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 2021 के सभी फिल्म अवार्ड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी परीक्षाओं के लिए वो देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वीडियोस का, वो वीडियोस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो जाकर जरूर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है जाकर जरूर चेक कीजिएगा और उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दादा साहेब फिल्म पुरस्कार 2021 में परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला। ठीक है, तो जो परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो किसे मिला था आपको बताना है। तो दादा साहेब फिल्म पुरस्कार 2021 की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2021 लिखा। तो 2021 में परफॉर्मर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो मिला था नोरा फतेही को। ठीक है, किसे मिला था? नोरा फतेही को। बहुत अच्छे से आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहेब फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। मतलब कि कौन सी ऐसी फिल्म है सर्वश्रेष्ठ जिसे कि दादा साहेब फिल्म पुरस्कार 2021 में मिला। आप चाहें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो मिला है तानाजी अनसंग वारियर को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहेब फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यानी कि एक्टर की बात हो रही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। तो दादा साहेब फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो मिला है अक्षय कुमार को। किसे मिला है? अक्षय कुमार को। किस फिल्म के लिए? तो लक्ष्मी के लिए। ठीक है, लक्ष्मी फिल्म के लिए जो उनकी लक्ष्मी फिल्म आई थी उसके लिए अक्षय कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है 2021 में। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, यहां पर देखिए ये फिल्म फेयर अवार्ड है। ठीक है, तो इरफान खान को किसे मिला है? इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, किस फिल्म के लिए? अंग्रेजी मीडियम के लिए। किस फिल्म के लिए? अंग्रेजी मीडियम के लिए, इरफान खान को। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है। तो तापसी पन्नू को, उनकी फिल्म थप्पड़ के लिए। ठीक है, थप्पड़ एक फिल्म है, उसी के लिए तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है 2021 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो वो दिया गया है अनुराग बसु को इनकी फिल्म लूडो के लिए। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है। तो आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को फिल्म छपाक के लिए। ठीक है, फिल्म छपाक के लिए दीपिका पादुकोण को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 में मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया। तो आंसर हो जाएगा तिलोत्तमा सोम इनकी फिल्म रागीर के लिए। ठीक है, इनकी फिल्म रागीर के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि 91वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है। तो विश्वजीत चटर्जी को। ठीक है, इन्हें विश्वजीत चटर्जी को। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फिल्म पुरस्कार 2021 में फिल्म उद्योग में अपने उत्कृष्ट योगदान का, ठीक है, पुरस्कार किसे मिला है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि दादा साहेब फिल्म पुरस्कार 2021 में फिल्म उद्योग, ठीक है, फिल्म उद्योग में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है, एक अच्छा योगदान के लिए का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है। तो वो मिला है धर्मेंद्र, ठीक है, धर्मेंद्र जी को। ठीक है, तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सारे ही क्वेश्चन को मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करवा दिया है, ठीक है, बता दिया है। ओके, सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक टीम क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन जो बेल है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड मैं करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है,
तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।